देखिए, लाइट्स कैमरा एक्शन तो ठीक है, लेकिन 31 तारीख को सेलिब्रेट करने का ना हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। तो चलिए, अब आपको सीरत कपूर और मेघा चक्रवर्ती के साथ सीधा लिए चलते हैं गेमिंग जोन। जी हाँ, दिल तो बच्चा है जी, एंड व्हाटएवर यू से, दीज गेमिंग जोन्स आर लाइक टोटली फैब। आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आप इंजॉय करते ही करते हैं। सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो हम लोग तो आगे हैप्पी न्यू ईयर मनाने शॉर्ट में आज हम लोगों ने प्लान किया है कि बहुत सारे गेम्स खेलेंगे, थोड़ा सा बचपने को याद करेंगे और एक 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 ईयर की शुरुआत ही हम लोग फन से करना चाहते हैं, ताकि पूरी लाइफ आगे फन ही होता रहे। एग्जैक्टली तो आप लोग भी हमारे साथ चलो और देखते क्या क्या गेम्स हैं अंदर। सब अपने फैंस को, अपने ऑडियंस को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ये है ना, ये मैम ये ऑन सेट भी सबको मिलाने का काम करती थी और अभी भी यही मिलाने का काम कर रही है। मैं अभी भी एग्जैक्टली मैसेजेस कर करके कि मिलो जल्दी, यहाँ यहाँ सब अपनी डेट्स बताओ, वो साला अभी भी यही कर रही है। बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाता है, सब अपने अपने जगह में बिजी है। बहुत लोगों का काम शुरू हो गया, नया काम, तो वो लोग अपने अपने जगह में बिजी हो गए। बट होपफुली सब लोग ही चाहते हैं एक्चुअली सब एक दूसरे से मिले, बट नहीं हो पा रहा है। मैं आज कुछ दिन पहले भी ग्रुप में मैसेज चला था कि यार आई मिस यू ऑल, मतलब वो कभी कभी याद आ जाती है पुराने दिन एंड इमली के सेट पे जो हम मस्ती करते थे। बट होपफुली हम बहुत जल्द चाहे ऑफ स्क्रीन चाहे ऑन स्क्रीन कहना के तो टकरा ही जाएंगे। लेज़र वाला गेम था लेज़र वॉर्स, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। काफ़ी हमें नीचे से ऊपर से लेज़र लाइट से बचते हुए जाना था। मिशंस भी थे उसमें। हाँ, काफ़ी मिशंस भी थे, काफ़ी सारे टारगेट्स थे जिसमें हम फेल हुए हैं। बट आधा पास हुए, आधा फेल हुए। बट मज़ा आया, मैंने पहली बार खेला तो मुझे बहुत अच्छा। दोनों का फर्स्ट टाइम था तो बहुत मज़ा आया। हम बहुत टाइम बाद मैं गेम जोन में आई हूँ एंड काफ़ी सारे गेम्स खेले, काफ़ी कॉम्पिटिटिव वाइब था हम दोनों का। बट बहुत मज़ा आया, ये बहुत सी सारी जीत गई, बट इट वॉज फन। बिगिनर्स लक। We'll be right back.
हम दोनों काफ़ी टाइम बाद मिले और काफ़ी अच्छी मुलाकात रही, हमने काफ़ी गेम्स खेले, मज़ा आया। और न्यू ईयर पे डेफिनेटली अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करेंगे एंड तो ये कर ही लिया है। हाँ, उसके आगे भी होपफुली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे सो दैट शुरुआत बहुत अच्छी हो। मैं सख्त खिलाफ हूँ रेजोल्यूशन के, मेरा रेजोल्यूशन है कि मैं कभी कोई रेजोल्यूशन नहीं लूँगी क्योंकि हाँ सेम, क्योंकि मैं देखिए कोई फ़ायदा नहीं होता है, मैं तोड़ ही देती हूँ, खुद ही तोड़ देती हूँ, तो क्या मतलब है, तो कुछ भी नहीं है। डे टू डे रेजोल्यूशन होते हैं, बस आज ये करना है, मतलब करना है बस अच्छे से। हाँ, एंड आई होप कि मुझे कोई अच्छा वेब सीरीज मिले, मतलब ये कोई रेजोल्यूशन नहीं है, बस ऐसे मैं आशा करती हूँ कि मुझे कोई अच्छा वेब सीरीज मिले या मैनिफेस्टेशन। एग्जैक्टली, तो बस यही उम्मीद है कि आप लोग मुझे वेब सीरीज में देखो। एंड सब लोग अपने न्यू ईयर में बहुत हेल्दी रहे, बहुत खुश रहिए और अच्छे से न्यू ईयर बिताइए। पहले अपना ध्यान रखिए, बाद में फन करना, काम करना, सब कुछ बाद में करना, पहले खुद का ख्याल। खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बस खुश रहेंगे तो हेल्दी रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय। ABP News, आपको रखे आगे।